नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की कमेटी गठित। यूपी के जनपद अमरोहा के हसनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय कमल अख्तर के नगर कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी ने नगर कमेटी घोषित की, जिसमें पूर्व मंत्री कमल अख्तर जी व नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपने हाथों से मनोनीत पद सौंपे और बधाई दी। हम आपको बताते चले कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मौजूद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। सरकारी विभाग आम जनता का लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं। विद्युत विभाग के दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिजली कर्मचारी चेकिंग के नाम पर जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। लोगों को झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। थानों के अंदर आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्राइम न्यूज 24 से कविन सिंह, प्राइम न्यूज 24 अमरोहा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी साहब ने आज अपनी टीम का गठन किया है और इस में जो पदाधिकारी हैं, सबसे पहले मैं उन्हें पदाधिकारी मनोनीत होने पर बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारे जिम्मेदार इस शहर के समाजवादी पार्टी के स्तंभ पिलर इस कमेटी के अंदर हैं और उनके नेतृत्व के अंदर समाजवादी पार्टी शहर में तरक्की करने का काम करेगी, मजबूत होने का काम करेगी, संगठित होगी और 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने का काम हमारे पदाधिकारी करेंगे। जहां तक सवाल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से इस पूरे शहर के अंदर बिजली के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, राशन कार्ड के अंदर गरीब लोगों के यूनिट काटे जा रहे हैं, पुलिस के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, इन सब उत्पीड़नों के खिलाफ हमारी पूरी टीम संगठित होकर एकत्रित होकर संघर्ष करेगी और किसी भी बेकसूर के साथ अन्याय होगा हमारे लोग संघर्ष करेंगे और उनके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पदाधिकारी हैं, ये अपनी पूरी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियां हैं, उनको जनता के बीच में ले जाएगा और पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के अंदर सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे।